बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जिसमें किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार अंतर ज्ञात करना है। देखिए सर्वप्रथम हमें जो दिया है उसको पहले हल करेंगे, उसको जैसे ही हम हल करेंगे तो हमारा आंसर अपने आप निकल कर आ जाएगा। देखते जाइए प्रथम पद कितना है, प्रथम पद 5, अंतिम पद यानी एल कितना है 45, योग यानी एस एन कितना है 400। देखिए ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक बातें पता है तो आप कहीं भी नहीं फंसेंगे। यहाँ साथ में लैंग्वेज भी लिख सकते हैं कि माना एन पदों का योग एस एन और दिया है कितना 400, अंतिम पद बराबर 45। अब देखिए चूंकि एस एन का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, एन बट्टे दो ए प्लस एल, और ये कितना दे रखा है 400 दे रखा है। ओके ठीक है, अब हमें देखिए n का वैल्यू पता नहीं है, पद कितने हैं, हमें जो पता है वो वैल्यू पुट कर दो। a का वैल्यू पता है और l का भी वैल्यू पता है कितना है 45, और ये बराबर आपका किसके हैं 400 के। 45 प्लस 5 कितना आ गया 50, ये इससे कितने बार कट गया 25 बार, यानी 25 n बराबर कितना आ गया 400, तो n बराबर कितना आ गया 400 बट्टे 25, तो ये आ गया हमारा 16। ठीक है, पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, सार्व अंतर भी ज्ञात करना है। तो सार्व अंतर कहाँ से आएगा, यहाँ फॉर्मूला लगा दो L का, लिख देंगे पदों की संख्या, अर्थात पदों की संख्या बराबर कितनी मिल गई 16, यानी जो अंतिम पद है वो कौन सा 16 पद है, अर्थात L बराबर कितना आ गया ए 16 बराबर कितना है 45। ए 16 का मतलब क्या है, ए प्लस 15d बराबर 45। ए का वैल्यू कितना दे रखा है 5 प्लस 15d बराबर 45। 15d 5 को मैं दूसरी तरफ लेके आया तो यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का हो गया, कितना आ गया 40, और ये 15 इसके गुणा में है, दूसरी तरफ आकर भाग में आ गया। 5 से काटने पर ये कितनी बार 8 बार कट गया, ये 3 बार, तो हम लिख देंगे अंत n बराबर कितना आ गया 16 व d यानी सार्व अंतर बराबर 8 बटे 3 है।